हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग? बेसिकली रात के 12:30 एंड मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरे फोन में आने वाला है जो कि ओमनी डायरेक्शन होने वाला है। तो ओमनी डायरेक्शन का जिन भाई को मेरा मतलब समझ नहीं आया ओमनी डायरेक्शन से, तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला एंड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इसकी RGB में अगर प्राइस रेंज की से बात करूँ तो मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा, बिकॉज ऐसी प्राइस में कहीं भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट #2 अनबॉक्सिंग सीरीज वीडियो। फर्स्ट में आपने देखा हमने गेमिंग तबाही माउस पैड को अनबॉक्स करा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था वो, एंड उसे मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनली अभी भी मैं उसको यूज़ ही कर रहा हूँ, माउस मेरे हाथ में ही है एंड बेसिक माउस यूज़ कर रहा हूँ जस्ट अभी। तो माउस भी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ गाइस बेसिकली बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले जो मेन चीज़ है वो आज मैंने मंगवा लिया है पर्सनल पैसों से, नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस। तो ये है गाइस फुल पावर, समझ रहे हो, गेमिंग हेडसेट, RGB गेमिंग हेडसेट बेसिकली। रिव्यू करेंगे इसका, लुक्स वाइज पर्सनल फेवरेट है गाइस, अभी तक रिव्यू नहीं कराया मैंने, तो रिव्यू करेंगे इसका कैसा है गेमिंग के अंदर। GDI चला के देखेंगे इसे, गाने सुन के देखेंगे, थोड़ी सी वेब सीरीज एंड मूवीज भी देखेंगे गाइस, तो कैसा रिव्यू करता है देखते हैं, स्टैंड आउट हो भी पाता है हमारी वीडियो के अंदर की नहीं गाइस। बेसिकली रात के 12:30 एंड मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो गाइस, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपके एक सब्सक्राइब से एंड एक लाइक से फर्दर ब्लॉग्स एंड गेमिंग अनबॉक्सिंग सीरीज करने का भी बढ़ावा मिलता है एंड मोटिवेशन मिलता है सबसे बड़ी बात गाइस। तो कर दो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है। ऑन द बॉक्स स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, तो मैंने मंगवाया इसको ब्लैक कलर में एंड कंपैटिबल विद PC, लैपटॉप, मोबाइल, Xbox, टैबलेट एंड PS5 एंड PS4, सबके साथ कंपैटिबल है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, साथ में आता है स्टैटिक RGB, तो आपको उसमें मतलब वो वाली RGB नहीं मिलने वाली, इसमें स्टैटिक इफेक्ट मिलेगा, तो आगे चल के मैं वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, 260 ग्राम्स का ओनली, जो कि ठीक माना जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा माना जाता है बेसिकली गाइस। एंड इसके अंदर आती है एक USB फॉर LED लाइट्स बेसिकली, तो LED के लिए USB चाहिए होगी आपको, जो आप अटैच करोगे वो इन्होंने दे रखी है बेसिकली। एंड आगे एक और छोटी सी चीज़ चाहिए होगी चलाने के लिए, वो मैं आपको फर्दर ब्लॉग में बताऊंगा, ब्लॉग कह रहा हूँ गाइस, गेमिंग सीरीज अनबॉक्सिंग सीरीज में बताऊंगा बेसिकली। एंड HD ऑडियो होने वाली है बिल्कुल ज़बरदस्त, एंड उसकी केबल होने वाली है गाइस वो होने वाली है बिल्कुल ब्रेडेड, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एंड सॉफ्ट एयर कप्स हैं इसके, जो कि हम आगे चल के देख ही लेंगे। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इसके अंदर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है स्विच टू गॉड मोड, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है गाइस इनका मेरे को स्लोगन बेसिकली। एंड यहाँ पर है इसका नाम कॉस्मिक बाइट का टाइटेनिया, गाइस देख रहे हो यहाँ पर थोड़ी सी RGB की फील दे रखी है एकदम बढ़िया तरीके से। टाइटेनिया गेमिंग हेडसेट विद RGB स्टैटिक लाइट एंड ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। सो गाइस इसके अंदर माइक्रोफोन भी आने वाला है जो कि ओमनी डायरेक्शनल होने वाला है। तो ओमनी डायरेक्शनल का जिन भाई को मेरा मतलब समझ नहीं आया ओमनी डायरेक्शनल से, तो मैं आगे चल के वीडियो बताऊंगा, तो मेक श्योर टू वॉच माई वीडियो टिल एंड, बिकॉज वो ज़्यादा ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग होने वाली है। साइड में देखा जाए गाइस तो यहाँ पर आती है कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग, उसके बाद आता है हमारा हेडसेट, तो कुछ इस तरह का ही होने वाला सिस्टम अनबॉक्सिंग सीरीज में बताने वाला हूं गाइस बेसिकली। एंड यहाँ पर लिखा है इसका नाम टाइटेनिया गेमिंग हेडसेट। चलते हैं बैक पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है, टाइटेनिया गेमिंग हेडसेट, इसके 2-4 पिक्स एंड थोड़े बहुत फंक्शन। तो गाइस इसके अंदर 50 mm के ड्राइवर्स होने वाले बेसिकली, एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ एंड सारा इसके बारे में आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला एंड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करते हैं इसको फटाफट से बिना देखिए अनबॉक्स, बिकॉज मेरे से भी वेट नहीं हो रहा है एंड मैं भी फटाफट से देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है इसके अंदर। तो गाइस खोलते ही बॉक्स आती है हमें इसकी छोटी सी पैकेजिंग के अंदर मिलता है बेसिकली हेडसेट हमारा। सो गाइस यहाँ से निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम मिलेगा गाइस आपको, इसे रखते हैं हम RGB कीबोर्ड के ऊपर एंड देखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर। एक छोटी सी मैनुअल है गाइस। सो गाइस अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस ज्ञान की पुस्तक को गाइस बेसिकली ज्ञान की पुस्तक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्वियसली बात है गाइस मैं वीडियो इसलिए बताऊंगा ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन करूं एंड पूरा इसका अच्छे सा रिव्यू दे दूं गाइस। कुछ इस तरह का हमारा है हमारे प्यारा सा हेडसेट कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला, एंड दिस वीडियो इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी लग रही है गाइस, मैं पहले इसको सेटअप करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, सॉलिड लग रही है एंड ईयर कप्स जैसा लिखा था बॉक्स पर वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है,
देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से हमारी प्यारी सी RGB जो कि आपको बताऊंगा कैसे ऑन करनी है, कैसे एक्टिवेट करनी है बेसिकली। एंड गाइस ये हमारा प्यारा सा छुटकू सा माइक जो कि छुप के बैठा था। एंड गाइस ये ओमनीडायरेक्शनल माइक है, मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब भी जब टेस्टिंग का टाइम आएगा, कॉज ऐसा आपको समझ नहीं आने वाला। एंड कुछ इस तरह क्वालिटी मिलती है, छोटी सी ब्लैकआउट पूरी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, कॉस्ट में बैठ के CB की ब्रांडिंग जो कि मुझे ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एंड गाइस तो मैं बात कर रहा था ऊपर के सिस्टम की, तो कुछ इस तरह का सिस्टम है एंड इस तरह के आपके हेड को सपोर्ट देगा ये। एंड गाइस ऊपर दे रखा हमें ये प्लास्टिक एंड उसके अंदर दे रखी है पूरी मेटल की वायरिंग जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड लुक्स वाइज तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन गाइस उससे पहले अटैचमेंट का भी थोड़ा सिस्टम देख लें क्या सिस्टम है, करते हैं इस वायर को फटाफट से ओपन। एंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है देखने में तो। एंड गाइस सच को तो बहुत ज़्यादा बड़ी वायर है एंड लिटरली क्वालिटी बताओ ना, सच में जैसी क्वालिटी है ना पूरी ब्रेडेड है गाइस बेसिकली पूरी की पूरी। नीचे देखें तो यहाँ पर आता है इसका स्प्लिटर जो कि कर देता है इस वायर को तीन वायर्स के अंदर स्प्लिट। तो तीन वायर कहाँ कहाँ जाती हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। पहले ये छोटा सा टूल जो है मैंने लगाया जो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो के अंदर क्या चीज़ है, तीन वायर्स के अंदर डिवाइड बेसिकली इस छोटी सी वायर को। एंड यहाँ पर आती है एक हमें बेसिकली USB के लिए, RGB लाइट के लिए USB। उसके बाद आती है गाइस माइक्रोफोन के लिए रेड 3.5 mm जैक एंड फॉर द हेडफोन ये ग्रीन 3.5 mm जैक। आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो 3.5 mm जैक है तो हम अटैच कैसे करेंगे कि अगर हमें माइक्रोफोन भी यूज़ करना है साथ में एंड हेडसेट भी यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको गाइस एक छोटा सा प्रोडक्ट अलग से बाय करना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिकली स्प्लिटर, तो ये लग जाता है हमारे बेसिकली PC के अंदर या फिर anything जो आप यूज़ करते हो, जो बॉक्स पे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी Xbox PS5 एंड PS4 एंड ऑल। तो बाकी इसके ऊपर भी दे रखा है आपको कि आपको किस किस में क्या क्या लगाना है, हेडसेट का अलग दे रखा है एंड माइक्रोफोन का अलग दे रखा है। तो मैं हेडसेट वाले को हेडसेट के अंदर डाल दूँ कुछ इस तरह से, माइक्रोफोन वाले को माइक्रोफोन के अंदर गाइस डाल दूंगा कुछ इस तरह से गाइस। एंड अब ये स्प्लिट हो जाएगा सिर्फ सिंगल के अंदर, तो दो वायर्स को बेसिकली गाइस एक में स्प्लिट कर देते हैं एंड बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। तो आपको छोटा सी प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा एंड ये प्रोडक्ट छोटा सा मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 80 rupees का, तो क्वाइट मच ठीक सा रेट है इसका एंड क्वालिटी भी अच्छी खासी है एंड ये भी सालों साल कहीं नहीं जाने वाला बेसिकली अगर आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। अब इसके अगर ज़्यादा प्रेशर पाएंगे तो गाइस इसके अंदर का मैकेनिज्म ख़राब हो सकता है, वो तो बेसिक सी बात है। तो ये तीन थी एंड अभी सिर्फ दो में रह गई हैं, दिस वन इज़ फॉर RGB। तो इसको मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा कि RGB इफेक्ट के लिए होती है जो RGB चलती है बेसिकली। तो RGB चलाने के लिए हमें इसे यूज़ करते हैं एंड ऑडियो बेसिकली माइक्रोफोन हेडसेट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं गाइस। तो देखते हैं क्या सिस्टम रहता है एंड फटाफट से इसको करते हैं कनेक्ट। तो गाइस हेडसेट को रखते हुए साइड में पहले मैं दिखाता हूँ गाइस वायर कितनी है। लिटरली यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वायर को जस्ट यहाँ से एंड मैं आपको दूर तक ले जाता हूँ एंड दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस मैं लेट ही गया हूँ ऑलमोस्ट डेस्क के ऊपर एंड ये वायर मिलती है हमें गाइस 2.2 meters की, मैं कहता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी वायर है। देख सकते हैं अभी भी खत्म नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लंबी वायर है एंड मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हूँ हेडसेट से गाइस बेसिकली, तब भी इतनी ज़्यादा लंबी वायर है। एंड गाइस दिस इज 2.2 meters वायर एंड बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड मैं RGB की लाइट एकदम मुँह के ऊपर खड़ा गया था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूरज मेरे मुँह पर लगा हुआ है। तो नो प्रॉब्लम गाइस, इतना चलता है वीडियो के लिए, लाइक समझ गए ना, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, 12:30 बज रहे हैं एंड इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस बेसिकली मैंने इस हेडसेट को अटैच कर लिया एंड कुछ इस तरह की RGB इफेक्ट आती है गाइस बेसिकली, आप देख सकते हैं कॉस्मिक बैट की ब्रांडिंग के साथ। एंड गाइस जब मैं इसका आपको प्राइस बताने वाला हूँ रियली आप शॉक्ड रह जाओगे इस क्वालिटी एंड इस लुक्स के अंदर, इतने प्राइस के अंदर आपको ये मिलने वाला है तो बहुत ज़बरदस्त है। एंड उसको आपको वेयर करके दिखाता हूँ गाइस, कुछ इस तरह का आ जाता है हमारे ऊपर बेसिकली गाइस। एंड यहाँ पर आप इसकी RGB एंड गाइस यहाँ पर आता है हमारे पास ओमनीडायरेक्शनल माइक, तो ऐसा लगता है गाइस जैसे हम पायलट बन चुके हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग आती है गाइस बेसिकली इसको डालकर। एंड ये ओमनीडायरेक्शनल माइक है एंड गाइस ओमनीडायरेक्शनल का मतलब होता है बेसिकली कि आप इसे चाहे यहाँ रखो, चाहे आप इसे यहाँ रखो, चाहे आप इसे यहाँ रखो, आवाज़ एकदम सेम आने वाली है बिकॉज ओमनीडायरेक्शनल पूरी 360 degrees में कैप्चर करता है साउंड को। तो दैट्स व्हाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप इसे यहाँ रखते हैं, चाहे आप इसे यहाँ रखते हैं। तो समझ गए गाइस ओमनीडायरेक्शनल का मतलब बेसिकली ये होता है। एंड RGB का इफेक्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ रहेगा अगर अच्छी तरह से विजिबल है गाइस तो। एंड गाइस सच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं प्राइस के हिसाब से। बेसिकली यहाँ पर इस साइड पर 2-4 फीचर्स आते हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस बेसिकली। तो यहाँ पर आता है आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए व्हील, जिसके आसपास थोड़ी सी RGB आपको दिखेगी अगर आपको विजिबल होगी तो। एंड इसके साथ भी थोड़ी थोड़ी RGB दे रखी है एंड कुछ इस तरह की RGB तो गाइस मिलती है आपको गाइस
जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कुछ इस तरह की। एंड गाइस इससे आप अपनी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। तो ये वायर पे ना देकर इन्होंने डायरेक्ट हेडसेट के ऊपर दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा सही रहता है। एंड जब मैंने इसको यूज़ करा तो अभी मैं दो चार टेस्ट कर रहा था इसके, तो उसके अंदर मेरा हाथ इजी पीजी यहाँ पर जा रहा था। एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी कि आपको कोई दिक्कत आएगी इसको यूज़ आउट करने में, तो वो नहीं होने वाला बिल्कुल भाई। मैं अगर प्राइस रेंज की वैसे बात करूँ तो मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा, बिकॉज ऐसी प्राइस में कहीं भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। बट म्यूज़िक के लिए ठीक ठाक है, अगर आप म्यूज़िक इतना नहीं सुनते हैं एंड अगर आप गेमिंग करते हैं बेसिकली गाइज। मैं इसके साथ GTA 5 का टेस्ट करा, वैलोरेंट का टेस्ट करा एंड पबजी का भी बेसिकली, बगमी उसका भी टेस्ट करा। एंड तो उसमें तो गाइज इसने झंडे ही गाड़ दिए, ट्रेबल की बिल्कुल भर भर के इसके अंदर बौछार कर रखी है गाइज। बेसिकली ट्रेबल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड इस माइक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने भी इससे अपने दोस्तों से बात भी करी थी एंड एक मीटिंग भी करी थी साथ में, पबजी के अंदर भी हमने इससे बात करी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एंड मेरे दोस्तों को भी। तो मुझे इसका रिव्यू दे रही थी बेसिकली, एंड मैंने अपने भाई आरव से भी कॉल करी थी इससे, वीडियो कॉल बेसिकली, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था जूम एंड गूगल मीट पर बेसिकली गाइस। एंड गाइस बाकी कंफर्टेबिलिटी के मामले में तो मेरे को ठीक लगा प्राइस रेंज के हिसाब से, एंड बेसिक कमी है। अगर आप इसे मूवी देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए एंड गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप इसके अंदर जाइए एंड आई एम श्योर बेसिकली गाइस कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है अगर आप गेमिंग एंड बेसिकली वेब सीरीज या मूवीज के लिए जा रहे हैं। एंड अगर आप गानों के लिए जाना चाहते हैं तो गाइस मत जाना, मतलब अगर आप सिर्फ गानों के लिए जा रहे हो गेमिंग में कुछ नहीं करना तो मत जाना बिल्कुल भी। अगर आप थोड़े बहुत गाने सुनते हो तो चले जाना, 10 out of 7 इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो ठीक है गानों के लिए, बट अगर आप गेमिंग वेब सीरीज या मूवीज देखते हैं तो आप इजी पीजी की तरफ जा सकते हैं एंड थोड़े बहुत गाने इन्जॉय करते हैं तब भी जा सकते हैं। बिकॉज मतलब अगर सुनोगे गाने तो आपको इतना कुछ फर्क पता नहीं चलने वाला, अगर आप लो से हाई पे शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली, अगर आपके पास पुराना कोई मतलब लो एंड का है बेसिकली हेडसेट तो मतलब ठीक है, गानों के मामले भी ठीक ठीक है, एवरेज है, बाकी सब चीज़ों में बेस्ट है, टॉप नोच है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, टूटने वाला नहीं है जैसा कि मैंने बात करती थी इसकी ब्रेड केबल की। तो एज ए गेमिंग है दैट्स वाई वायर्ड है, तो गेमिंग में बेसिकली वायर्ड ही होता है बिकॉज लेटेंसी बेस्ट होती है, वायरलेस में इतनी लेटेंसी नहीं मिलती, चाहे जितनी मर्जी लो लेटेंसी कर लो आप इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। तो गेमिंग के लिए बेसिकली आई प्रेफर वायर्ड, आप कभी भी वायरलेस की तरफ मत जाना, कंपनीज भी सजेस्ट करती हैं कि आप वायर्ड की तरफ जाओ, तो गेमिंग करने के लिए ले रहे हो तो बेसिकली गाइस वायर्ड की तरफ ही जाना। हेडफोन की प्राइसिंग की तो गाइस मुझे ये पड़ा है पूरे के पूरे 630 rupees का, 629 बेसिकली गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा सही प्राइसिंग है इस हेडसेट के लिए एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे। इसके अंदर आपको माइक्रोफोन मिलता है, वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है, अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलता है, बट म्यूज़िक के लिए गाने के लिए इतना अच्छा जो नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, एवरेज है, बाकी सब सही लगता है। RGB मिलती है सबसे बड़ी बात गाइस। एंड लुक्स के मामले बताऊँ ना, सच में अगर कोई आप बंदा बाहर से आएगा ना देखिएगा तो आराम से कहेगा आपको कि ये 3000 तक का है लिटरली गाइस। मैंने खुद परखा है, आरओ को दिखाया था एंड आरओ के लिए बेसिकली मंगवाया था गाइस ये मैंने अपने छोटे भाई के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके वो गेमिंग का बेसिकली ज़्यादा शौकी है दैट्स वाई उसके लिए मैंने मंगवाया था। तो सिस्टम तो हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, सिस्टम बढ़िया बना दिया इसने एंड जो वॉल्यूम डाउन का बटन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है प्राइस रेंज के मामले में बताऊँ तो बेस्ट है, इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला, तो आंख बंद करके आप चेक कर सकते हो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।